इस मौके पर एक तस्वीर ने उस वक्त सबका ध्यान खींचा जब लालू प्रसाद यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में सुलह कराते नजर आए। लालू के कहने पर अखिलेश ने शिवपाल के पैर भी छुए, लेकिन अगले ही पल में चाचा भतीजे के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम में सब कुछ ठीक, हम सब एक है की तस्वीर खूब दिखाई, और जो लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच पिछले 2 महीने से हो रही थी, जिसके किस्से लखनऊ के गली और चौराहों पर सुनाई दे रहे थे, उन पर पानी डालने का काम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कर दिया। पंच बने लालू ने जैसे ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को गले मिलाने की कोशिश की तो अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर छू लिए। बिल्कुल सारा परिवार, आम आवाम, सारे लोग इकट्ठे हैं, और इसलिए आए थे कि लोग लड़ रहे थे। शुरुआत लालू ने तो चाचा कहां पीछे रहने वाले थे। चाचा ने भी दिखा दिया कि उनका दिल नहीं दरिया है, भतीजा चाहे तो उनकी जान भी ले ले। और मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ और पूरे समाजवादियों से कहना चाहता हूँ, जितना हमसे त्याग लोग, जितना त्याग लेना चाहो, यहाँ तक कि अगर खून मांगोगे खून भी दे दें। मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना, मुझे मुख्यमंत्री कभी नहीं बनना। मैंने 4 साल बहुत सहयोग किया, लगातार सहयोग किया, कितना भी मेरा अपमान कर लेना, कितने बार भी मुझे बर्खास्त कर लेना, मैं जानता हूं कि अच्छा काम किया है अखिलेश यादव ने, अच्छा काम किया। लेकिन अगले ही पल शिवपाल का वो दर्द छलक आया, नोटिस भी दिखाई दी, जिसकी कसक मंत्री पद छीने जाने के बाद उनके दिल में आज भी है। और शिवपाल ने बता दिया कि सरकार में रहते उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। लेकिन मैं यहीं पर इतना भी कहना चाहता हूँ, जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, चाहे पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी हो, पीडब्ल्यूडी विभाग में आपके विभागों से कम काम अच्छा, मेरे विभाग में आपसे कम अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छा काम हुआ। शिवपाल बोल चुके थे, अब बारी भतीजे की, और उन्होंने बता दिया कि पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता पार्टी को जीत दिलाने के लिए लड़ रहा है, अगर फिर भी किसी को परीक्षा लेनी है तो वो उनकी ले ले। ये कौन नहीं चाहता पंडाल में समाजवादी सरकार लौटे, कोई ऐसा नहीं है जो न चाहता हो समाजवादी सरकार लौटे। और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता, नौजवान नेता, ये सब लड़े हैं बीजेपी और बीएसपी से, इन्होंने संघर्ष किया है, साइकिल चलाई है, खून पसीना बहा है, और अगर कोई चाहे हमारी परीक्षा लेने के लिए, मैं नहीं कहता कि हमारे नौजवानों की परीक्षा लेनी है आपको, मैं नहीं कहता कि पंडाल में बैठे हुए किसी की परीक्षा लेनी है, अगर किसी को परीक्षा लेनी है मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ, जो परीक्षा चाहे आप परीक्षा ले लो मुझसे। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में अब सब कुछ ठीक है, और ये दिखाने की पुरजोर कोशिश भी की जा रही है, लेकिन शिवपाल और अखिलेश की बातें सुनकर यही लगता है कि वो पैर छूना, वो गले मिले और एक दूसरे की तारीफों में कसीदे पढ़ना, सब दिखावा है, सब छलावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज़।